कि तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जब मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का खेल नहीं, ये तो कृपाण की धारा है। राम राम सारे भाइयों, कैसे हो? वेलकम आपका एक नए ब्लॉग में। तो स्वागत है आपका राणा जी ब्लॉग्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो में आने के लिए। तो आज है जन्माष्टमी, तो हम जा रहे हैं जन्माष्टमी का फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिमाचल में हम जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे और आपको जन्माष्टमी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। भाई जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट काफी लोगों को नहीं पता होगा जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो भाई इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो के जो अच्छे अच्छे पल है, लम्हे हैं, उसे भाई एंजॉय करना, ठीक है, मेरे साथ बैठ के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। राधे 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 बोल बना, कल का क्या पता। के 10 बज चुके हैं और अभी टाइम है जाने का, तो चलो चलते हैं और देखते हैं फंक्शन कहाँ पे है। तो मेरे साथ चले और फंक्शन को एंजॉय करें। फाइनली हम उस घर में पहुंच चुके हैं जहाँ पे फंक्शन है। ये तो देखिए सारे भाई अपने बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के आपको पूरा फंक्शन दिखाते हैं बढ़िया से कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इस वीडियो को देखें। हेलो कृष्णा, कैसे हो? कृष्णा कैसे हो? बोलो शंकर भगवान की, बोलो विष्णु देव की, बोलो सत्य प्रभात की। इस तरह से मनाया जाता है हिमाचल में जन्माष्टमी का त्यौहार। तो भाई रात के बजने वाले हैं 12 और हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे 12 बजे फंक्शन को करते हैं क्लोज। भाई लोग बज गए 12 यहाँ पे और लाइट्स कर दिए ऑफ। ये देखिए लेडीज मस्ती करते हुए जन्माष्टमी को अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे यहाँ पे। टॉफीज को फेंक के भाई मस्ती की जा रही है, ठीक है पूरी। ये देखो बारह बज गए और आपको मिलाते हैं अपने कृष्ण जी से। कृष्ण जी का जन्म कारावास में हुआ था, यानी कि जेल में। मामा कंस ने उन्हें और उनकी माता को, माता देवकी जी को, वहां पे कारावास में बांध के रखा था। पिता वासुदेव। कृष्ण जी का आशीर्वाद लेते हुए हम मिलाते हैं भाई राधा जी से। ये देखिए भाई हमारी प्यारी राधा जी, और कृष्ण जी से भी आपको मिलाते हैं जो हमारे कृष्ण जी बने आज। ये देखो भाई बढ़िया खाने के लिए भाई, ये सूल है और ये हमारे आलू के लिए ले लेंगे, अभी ले लेंगे।
12 बजे के बाद सारे अपना व्रत खोलते हुए ये देखो सारे जो है हैं। हमारी नजरों से तुमको देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। वॉचिंग माई वीडियो और इसी तरह न्यू वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स देखने को मिलते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।